जो गोरख धंधा भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चला रही थी, चंदा दो धंधा लो और वसूली रैकेट, ईडी सीबीआई की इनकम टैक्स की रेट होगी और इधर जो है भाजपा को चंदा देकर मामला शांत किया जाएगा, उसकी कलई खुल चुकी है। अब सारे तथ्य सामने आ गए, किसने किसको कितना दिया, कब दिया, वो लगातार सामने आता जा रहा है। सवाल तो खैर एसबीआई पर भी उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करने से पहले मना क्यों किया, और क्योंकि सारा ब्यौरा उनके पास तैयार रखा था। एक ये एड था, एक ये विज्ञापन था जिसमें हम 8,252 करोड़ का चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसको पेपर में छपवाना चाहते थे। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया, वो डर गए, उन्होंने कहा हम ये नहीं छाप सकते हैं, जबकि ये विज्ञापन था, हम इसके लिए पैसे भी दे रहे थे। ऐसा क्यों है, ये डर और ये आतंक का माहौल क्यों है इस देश में, आज सवाल इस बात पर है। कुछ छोटे अखबारों ने, रीजनल पेपर्स ने इसको छापा है, कुछ लोगों ने इस पर पढ़ा है, अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन बड़े बड़े अखबार डर गए। वो क्यों डर गए, वो बार बार मोदी जी को तभी क्यों छापना चाहते हैं जब मोदी जी हीरो लगें और सही लगें। असलियत यह है कि गोरख धंधा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ है उस पर सवाल उठाना तो दूर, मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम मीडिया एक विज्ञापन छापने से कतरा रहा है। ये है देश में लोकतंत्र की हालत। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।